गरीब लोग को मांगने से कोई नहीं देता है, मांगने से वही देता है जो आपका भाई है, आपका बिरादरी का है, आपके बीच का है। आज ये लोग हमें लड़ना सिखाते हैं कि माटी बेटी रोटी सब लूट लिया, हमको बाहर का नेताओं का जरूरत नहीं है। हमारा जब यहाँ का सिद्धू कानू बिरसा मुंडा तेलंगाना खड़ी आगे जो से लड़ाई लड़ रहा था, उस समय कहा था ये भाजपा का लोग क्या कर रहा था, उस समय हमारे इन आंदोलनकारियों ने अकेले नंगे बदन खाली पेट अंग्रेजों को भगाने का काम किया। अब इन भारतीय अंग्रेजों को भगाने का काम करना, इसीलिए व्यापारियों एक तरफ व्यापारियों की जमात, एक तरफ गरीब गुरुवार लोगों की जमात के बीच में ये प्रतिस्पर्धा है। आज हम लोगों के कार्यकाल को लोगों ने पूरा भी नहीं होने दिया और ये लोग आज सरकार में आने का एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत आ रहे हैं। अभी भारत चुनाव में सांप्रदायिक दंगे सांप्रदायिक तनाव फैलाने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कोई जात धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेगा, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुनिए कैसा जहर उगलता है, ऐसा जहर कि साफ में भी इतना जहर ना हो उतना भारतीय जनता पार्टी का नेता के मुंह में आ गया, अजीब बात। इसीलिए साथी बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, अभी हमें और लंबे सफर पे जाना है, अभी कोलार के क्षेत्र में भी जाना है, कई कार्यक्रम में है। एक तरफ 1000 लोग यहाँ पर चप्पे चप्पे में हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं और हमारे पूरे विपक्ष में अकेले हम लोगों ने मोर्चा संभाल रखा है। और निश्चित रूप से गरीब गुरुवार लोग जब कमर कस लेता है अच्छा अच्छा मजबूत आदमी को भी पटकने का ताकत उठा लेता है।